हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक महीने में 100% का रिटर्न दे चुकी है, मतलब 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए बन गया। और ये एक सरकारी कंपनी है और इतना रिटर्न इस कंपनी ने इसलिए दिया क्योंकि पहले ये कंपनी घाटे में चल रही थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन इस क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इस वजह से इस कंपनी ने एक महीना में 100% का रिटर्न दे चुकी है। तो मैं इस कंपनी का देखूंगा कि कंपनी करती क्या, इनका बिजनेस क्या है और इनका किस टाइप से रिजल्ट। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाले जितनी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ उस कंपनी का, मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ और आपको यही पता चल जाएगा कि इस कंपनी ने एक महीना में 100% का क्यों रिटर्न दे दिया। मैं आपको वो भी बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट सेल्स था इस कंपनी का सितंबर 17 में था 61.82 और जून 18 हो चुका है 146.21। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का पहले जो था वो माइनस में था, सितंबर 17 में देख लो माइनस 32.79 था, दिसंबर 17 में था माइनस 27.02 और मार्च 18 में था 89.58। तो लगातार इस कंपनी का घाटा बढ़ते जा रहा था, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इस वजह से ये स्टॉक एक महीना में ही ये 100% चल चुका है। अगर फ्रेंड इस कंपनी का अगला क्वार्टर में जो रिजल्ट आता है, अगर कंपनी अच्छा करती है तो ये कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन अगर अगला क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट नहीं पेश किया तो फिर से ये नीचे आ जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि सब चीज उनकी बैलेंस शीट पे ही सब कुछ पता रहता है ना कि स्टॉक चलेगी या नहीं चलेगी। और जब भी कोई कंपनी घाटे से जब प्रॉफिट में आती है तो वो कंपनी बहुत तेजी से ऊपर जाती है। और वैसे भी एक छोटी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो इसलिए ये कंपनी एक महीने में 100% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। आप देख लेता हूँ इस कंपनी का, मैं नेटवर्क देख लेता हूँ। इस कंपनी का जो नेटवर्क है 315.42 है और टोटल डेबिट है ये 245.57 और इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 8.90 है। टोटल एसेट्स है इनके पास 561.00। तो ये कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई, इसलिए ये कंपनी ने एक महीना में 100% रिटर्न दे चुका है। 40 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है। तो इसलिए अब मैं आ चुका हूँ इस कंपनी के, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये जो बिजनेस करती है केमिकल का, इस कंपनी का बिजनेस है, इनके पास जो प्रोडक्ट है देख सकते हो फिनॉल है, एसीटोन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये केमिकल होती है, तरह तरह के केमिकल होती है जिसमें रबड़ का केमिकल भी होता है, तरह तरह के केमिकल होते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इस कंपनी की, मैं केमिकल की बात करूं तो ये कंपनी बहुत तरह के केमिकल बनाती है, जैसे पेंट के लिए केमिकल हुआ, फार्मास्यूटिकल के लिए केमिकल हुआ, खेतों में जो दवा जो छींटी जाती है उसके लिए केमिकल हुआ, या फिर जो हम लोग जो आजकल पर्सनल केयर होता है जो मेकअप वो करते हैं तो उसके लिए केमिकल हुआ, पेपर के लिए केमिकल बनाती है, टेक्सटाइल के लिए केमिकल बनाती है, मेटल के लिए केमिकल बनाती है, स्टील के लिए ये कंपनी केमिकल बनाती है। तो ये कंपनी तरह तरह के केमिकल बनाती है। तो फ्रेंड इसका बिजनेस तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग जब भी किसी कंपनी को खरीदेंगे तो एक क्वार्टर का रिजल्ट देख कर नहीं खरीदें, क्योंकि अभी ये कंपनी घाटे से मुनाफा में आई है। तो एक क्वार्टर और वेट कर लें, अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो हम लोग इस कंपनी में एंट्री लेना चाहिए। और केमिकल सेक्टर में अगर एंट्री लेते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मेरे पास केमिकल सेक्टर की कई कंपनियाँ हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। अभी उसका 5-6 हज़ार रुपये कई जगह प्राइस हो चुका है। तो अगर ये कंपनी अगर हर क्वार्टर अच्छे अगर रिजल्ट देती है तो इसको ऐड करना चाहिए, मेरे अंदाज से ऐड करना चाहिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इस कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट और देख लें, अगर रिजल्ट देख लेंगे तो हम लोग भी संतुष्टि हो जाएंगे, हाँ भाई कंपनी आगे रिजल्ट अच्छा दे सकती है, क्योंकि अभी तो ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आप लोग इस कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं कि किस किस टाइप के कंपनी केमिकल बनाती है, किस किस चीज़ में यूज होती है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है कि प्लाईवुड में कौन सा केमिकल यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में कौन सा केमिकल यूज होता है, और जो भी मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन केमिकल यूज होता है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप पूरा यहाँ पे आके पढ़ सकते हो पूरा डिटेल्स में। वैसे तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 साल में जो इस कंपनी का रिटर्न है -13% है, वहीं सेंसेक्स ने 165% रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी बहुत घाटा कर रही थी, लेकिन अभी ये जून क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो और
तीन साल में इस कंपनी का रिटर्न है 191% का रिटर्न है और सेंसेक्स का रिटर्न है 46% का रिटर्न है, और वन ईयर की बात करो तो वन ईयर में इसका रिटर्न है 94% का रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा ही माना जाएगा। वहीं सेंसेक्स की बात करूँ तो 23% का रिटर्न है, और ईयर टू डेट की बात करूँ जनवरी से लेकर अभी तक की मैं बात करूँ तो 7% रिटर्न है। वहीं सेंसेक्स ने 13% रिटर्न दिया है, और वन मंथ की बात करूँ तो वन मंथ में तो 94% अभी रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन इस कंपनी का वन मंथ में रिटर्न हो चुका था लगभग 122% का हो चुका था। वहां से अभी ये स्टॉक कुछ नीचे आया है क्योंकि अभी ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई, इसलिए ये कंपनी एक महीना में लगभग 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है अभी तक। हालांकि अभी ये स्टॉक अभी कुछ नीचे आ चुकी है, वन वीक में रिटर्न है 15% का रिटर्न है। वन डे की बात करूं तो आज ये लगभग 4.5% माइनस में रिटर्न है। तो फ्रेंड ये 2-3 दिन से स्टॉक के नीचे गिरने लगा है, लेकिन ऑर्गेनिक कैमिनल लिमिटेड का बीएसई पर प्राइस चल रहा है 3795 पैसा, और आज ये स्टॉक 4.5% नीचे भी है, और इसका जो 52 वीक जो हाई हो गया था वो 43.55 हो गया था, और इसका जो 52 वीक जो लो है वो 17 रुपीज है। और मैं कुछ देख लेता हूँ, सेंटीमीटर की बात करूं तो 69% लोग बोल रहे हैं बाय कीजिए, 50% लोग बोल रहे हैं सेल कीजिए, और 16% लोग बोल रहे हैं होल्ड कीजिए। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 255.29 है, पी यहां पे नहीं शो कर रहा है, और इस कंपनी का बुक वैल्यू -84.32 है। और इंडस्ट्री पी की बात करूं तो इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है 45.94 है, और यहां पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो फ्रेंड, अभी ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 40 करोड़ का इनका इस बार मुनाफा हुआ है, और ये सरकारी कंपनी है। अगर ये कंपनी 2-3 क्वार्टर तक कंपनी अगर रिजल्ट अच्छे पेश करती, इसी तरह का पेश करती है, तो ये कंपनी तो ऊपर जाएगी। लेकिन ये अगर मान लो कि फिर से ये कंपनी खराब रिजल्ट पेश करने लगा तो हम लोग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप 2-3 क्वार्टर देख लीजिए इस कंपनी के क्या होता है, रिजल्ट किस टाइप से आता है, तो खरीदना चाहिए। हालांकि इसका मैं बिजनेस की बात करूं तो इस कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मुझे फंडामेंटल भी थोड़ी देखनी चाहिए, अगर कंपनी अगर लॉस कर रही है तो फिर इस कंपनी में क्यों एंट्री लेना चाहिए। हालांकि इस बार कंपनी ने 40 करोड़ का जरूर प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मुझे 1-2 क्वार्टर में और वेट करना चाहता हूं, तभी मैं इस कंपनी में एंट्री लेना चाहूंगा। और जो लोग मतलब इस कंपनी को खरीदना चाहते हो, बहुत छोटी रकम लगाएं तो आप सेफ रहेंगे, इसमें पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अभी जब कंपनी जब अच्छे रिजल्ट पेश करेंगे तो हम लोग खरीद लेंगे, थोड़ा सा ऊपर ही मिल जाएगा क्या बात है, लेकिन मेरा पैसा तो सेफ रहेगा ना, हम भी संतुष्ट रहेंगे, हाँ भाई कंपनी अच्छी कर रही है, रिजल्ट अच्छा पेश कर रही है। तो फ्रेंड यही एक मेरी वीडियो था, अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल बटन दबा लें, अगर बेल बटन नहीं दबाएंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा।